हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं बाय स्टार एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आपको कैसे यूज करना है, कैसे टीम बनाना है, कैसे टीम लगाया जाता है, कैसे पैसा लगाया जाता है, सब कुछ ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी यूज करना नहीं आया ना, तो दोस्तों आपके लिए यार कॉमेंट खुला हुआ है। कॉमेंट में जो चाहे सो मन लिख सकते हो। कॉमेंट में आप गाड़ी चाहे जो भी कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। दोस्तों यार इस वीडियो में आपको ए टू जेड मैं जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों आपको जैसे बाय स्टार एप्लीकेशन को ओपन करोगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप ओटीपी डाल के दोस्तों जैसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप इसमें टीम कैसे बनाना है, दोस्तों यहां पे आप दोस्त देख सकते हो कि टोटल मैच आपको यहां पे दिख रहा होगा, ऑल मैच। दोस्तों तो इसमें आपको कैसे टीम बनाना है, दोस्तों यहां पे देखो इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ मैच होने वाला है जो कि कल है। तो दोस्तों इस साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच जो होने वाला है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे टीम बनाओगे, कैसे पैसा लगाओगे, सब कुछ यहाँ पे मैं जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों जैसे ही आप साउथ इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वाले मैच को आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बता दूँ कि आपको देखो यहाँ पे ना दोस्तों एक दो दो टीम दो यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे 7 प्लेयर का टीम बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 2.5 लाख, दोस्तों यहाँ पे 2.5 लाख है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्राइज, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों ये अगर ये दो पे आप टीम बनाते हो दोस्तों, तो आपको सिर्फ 7 खिलाड़ी को ही चुन करके टीम बनाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप चाहो दोस्तों तो यहाँ पे अगर बनाओगे तो 11 खिलाड़ी चुनना पड़ेगा। देख लो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये बिग विनर। दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, यहाँ से आप अगर बनाओगे दोस्तों, यहाँ से आप अगर बनाते हो, यहाँ से नीचे जितना भी आपका कॉन्टेंट दिख रहा है दोस्तों, अगर नीचे बनाते हो तो आपको 11 खिलाड़ी का बनाना होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको 7 खिलाड़ी में टीम कैसे बनाया जाता है, कैसे पैसा बिड लगाया जाता है, कैसे क्या कुछ किया जाता है, दोस्तों ये दोनों में हम आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा 11 खिलाड़ी को कैसे बताना। दोस्तों मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज यार आप सब लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारी चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहां पर हम सब कुछ आपको बताऊंगा, कैसे कप्तान बनाना है, उसको कप्तान लेना है, दोस्तों कैसे आप इसमें पैसा लगा के जीत सकते हो, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे आपको विकेट कीपर बोलता है चूज करने के लिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन में आप किसी एक को या किसी को भी ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखो ऋषभ पंत है, दोस्तों दिनेश कार्तिक है जो इंडिया के हैं, और 2 साउथ अफ्रीका के हैं। तो आपको जिसे भी लेना हो उसे आप ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले दिनेश कार्तिक को ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम दिनेश कार्तिक को यहाँ से हम विकेट कीपर ले लिए। दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हो अब बैटमैन चुनना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैटमैन चुनना है, ऑलराउंडर चुनना है, यहाँ पे बॉलर चुनना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें बैट्समैन में हमें रोहित शर्मा को लेना हो, जिसको भी आपको लेना हो उसे अपनी इच्छा से ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे किसी को नहीं तो सूर्य कुमार यादव भैया तो रहेंगे ही रहेंगे, और साथ सॉरी यहाँ पे सूर्य कुमार यादव रहेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे विराट कोहली भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद के एल राहुल भी रहेंगे, ठीक है। तो हम इंडिया से ले लिए 2 ही खिलाड़ी लिए बैट्समैन से, चलो के एल राहुल को छोड़ दिए हैं। अब ऑलराउंडर में देखो यार हार्दिक पांड्या तो रहेंगे रहेंगे, क्योंकि यार हार्दिक पांड्या को हम लेंगे ही। अक्षर पटेल भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो एक और खिलाड़ी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बॉलर में आ जाते हैं दोस्तों, तो बॉलर में इनको ले लेते हैं, और यहाँ पर मुझे एक और बॉलर लेना है तो जसप्रीत बुमराह को ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ मोहम्मद शमी को दिया है, पता नहीं मोहम्मद शमी खेलेंगे या ना खेलेंगे, अगर नहीं खेलेंगे तो भी चलो यार यहाँ पे हम बुमराह को ले लिए हैं, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को ले लिए हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमने साउथ अफ्रीका से एक ही खिलाड़ी लिए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और आपको क्लियर कर देता हूँ, ड्रीम इलेवन में आपको चुनना पड़ता है 4, 5 या 3, 4 ऐसे करके लेना पड़ता है। बट यार ये एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है, आप चाहो तो इंडिया के ही पूरा खिलाड़ी ले सकते हो। देखो मैं साउथ अफ्रीका से कितना खिलाड़ी लिए, 1, और देखो इंडिया से कितना लिए, 6। तो भाई 6 खिलाड़ी और 1 खिलाड़ी, यहाँ पे दोस्तों 6 और 1 के लिए है, पर कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप चाहो अपनी मन से ले सकते हो। दोस्तों ये ज़रूरत नहीं है कि साउथ अफ्रीका के ही लो और इंडिया को लो, आपको जो अच्छा खेलता है उस खिलाड़ी को अपना टीम में लो, ठीक है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करोगे, आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वॉइस और कैप्टन बनाने। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि सबसे मेन जरिया जो होता है ना मैच जिताने की, वो होता है कैप्टन और वॉइस कैप्टन। दोस्तों
अगर ये दोनों आपकी अच्छा रहा ना तो आप किसी भी मैच में पार्टिसिपेट करिए हो तो दोस्तों उस मैच में आपको जीतने की चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कैप्टन अगर आपको अगर रिक्सी टीम बनाना है तो दोस्तों उसको खिलाड़ी को लेना है जिसका कम परसेंट लोगों ने चूज किया है, ठीक है दोस्तों। अगर जिसे कम परसेंट अगर चूज किया उसे अगर आप कैप्टन बनाते हो, उसे अगर वाइस कैप्टन बनाते हो तो आपको जीतने की चांसेस, अगर जीते तो दोस्तों आप वर्ल्ड रैंक पे आ सकते हो। अगर दोस्तों हारने की डर अगर आपको लगा रहता है तो आप उसे लो जिसकी हाई परसेंट लोगों ने लिया है, क्योंकि अगर वो हारता है तो सब हारता है, अगर वो जीतता है तो सब जीतता है दोस्तों। इसीलिए हम लेंगे यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाएंगे। और वाइस कैप्टन में हम चलते हैं तो वाइस कैप्टन किसको बना ले, वाइस कैप्टन हम दिनेश कार्तिक को बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम वाइस कैप्टन और कैप्टन बना चुके हैं दोस्तों। इसके बाद प्ले ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पैसा ले लेगा। अगर जितने रुपए वाला कंटेंट आप लगाओगे उतना अमाउंट यहाँ से आपको पे करवा के यहाँ पे आपका टीम बन चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए हम आप बात कर लेते हैं 11 खिलाड़ी को कैसे बनाना दोस्तों। यहाँ पे और सारे कुछ बताने वाला हूँ जो कि आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है, कैसे प्लेयर खरीदा जाता है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे हम पहले 39 रुपया वाला टीम पे चलते हैं जो कि 11 खिलाड़ी को चुनना है। तो यहाँ पे हम ऋषभ पंत को लेते हैं, उसके बाद एक और साउथ अफ्रीका से ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 11 खिलाड़ी हैं तो आराम से हम चुन लेंगे दोस्तों। यहाँ पे फटाफट हम अपनी टीम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कैसे यहाँ पे क्या कुछ करना है दोस्तों। हमने फटाफट यहाँ पे कैप्टन और यहाँ पे देखो मैंने फटाफट ले लिए जसप्रीत बुमराह को ले लिए, उसके बाद इसको ले लिए मोहम्मद शमी खेलेंगे तो इनको भी हम ले लेंगे। चलो यहाँ पे भी हम टीम सेलेक्ट कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आपको वाइस कैप्टन और कैप्टन सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। इसमें हम लास्ट में आपको ऐसा बताऊंगा ना, एक ऐसा इसमें आप फ्यूचर बताऊंगा जिससे आपको प्लेयर को सिर्फ प्लेयर खरीद लेते हो ना दोस्तों, जैसे टीम, हाँ जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, कोई भी खिलाड़ी को आप अगर खरीद लेते हो, परचेज कर लेते हो तो वो अगर अच्छा खेलता है तो उसको पैसा मिलने वाला है। एक खिलाड़ी खरीदो पैसा कमाओ दोस्तों, इस एप्लीकेशन बहुत मस्त है। तो इसके बाद मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे फटाफट अपने हिसाब से कैप्टन बना लेना है, ठीक है दोस्तों। बना के ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ भी पैसा ऐड करके आप इस टीम में सिलेक्ट हो जाओगे। चलो दोस्तों मैं वो जानकारी आपको सबसे पहले देना चाहे मैं, बट अभी मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों उस खिलाड़ी को कैसे आप खरीद सकते हो, कैसे क्या कुछ कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे नीचे में आपको देखने को मिल रहा हो दोस्तों, यहाँ पे सबसे तीसरे स्थान पे दोस्तों, तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बाय प्लेयर्स दोस्तों। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो ना तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा जिसमें देखो यहाँ पे देखो सारे खिलाड़ी का नाम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस खिलाड़ी का अब कैसा खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, इसके बारे में आप जानोगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मान लो छोटा सा ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मत तो समझते होंगे कि किसी इस खिलाड़ी को खरीद लेना और अगर वो अच्छा खेलता है तो आपको पैसा डायरेक्ट मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ट्रेड क्या होता है, क्या कुछ होता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैं एक खिलाड़ी पे क्लिक करता हूँ वी वेल दोस्तों, इस खिलाड़ी को जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे राजा, यहाँ पे लिखा हुआ राजा, तो देखते हैं राजा भाई को कैसा खेलते हैं दोस्तों। इनका देखो ग्राफ मैं आपको सबसे पहले दिखाने का कोशिश करूँगा कि इस भाई का ग्राफ देखो, यहाँ से उठकर यहाँ तक आ गया, मतलब ऊपर जा रहा है ग्राफ, ऊपर जा रहा, मतलब अच्छा खेल रहा है भाई, अभी बहुत अच्छे खेल रहे हैं। तो इस खिलाड़ी को अगर आप लेना चाहते हो ना दोस्तों, अगर खरीद लेना चाहते हो तो आपको मैच खत्म होते ही आपको डबल मिल जाएगा, यहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो एक खिलाड़ी को खेलोगे खरीदोगे तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक खिलाड़ी, यहाँ पे दो कर सकते हो, दो करोगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, एक करोगे तो उतना ही पैसा लगेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप पे खरीद सकते हो दोस्तों। और मैं बता दूं यहाँ पे आप ना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो किसी भी खिलाड़ी का आप ग्राफ चेक कर सकते हो, उसका कैसे खेल रहा है, उसका स्कोर देख सकते हो, वो कैसा भी इंफॉर्मेशन कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ आप देखने के बाद आप यहाँ से खिलाड़ी को खरीद सकते हो। देखते हो यहाँ पे कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, सब कुछ यहाँ पे पूरा बायोडाटा लिखा रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप खुद आप रीड करोगे, रीड करके आप दोस्तों यहाँ पे परचेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों, आपको और कुछ थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जिस भी खिलाड़ी को आप लेना चाहते हो, देखो यहाँ पे मैं इस भाई को दिखाता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर ना यहाँ पे एक देखो, यहाँ
यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा, रेड से ना दोस्तों, सब में ग्रीन है बट यहाँ पे रेड है। रेड में क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। इस भाई का खिला जो खेलते हैं ना, इसका यार अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं हमको हिसाब से दोस्तों। यहाँ पे अभी इनका ग्राफ आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। देखो इसका पूरा रेड हो चुका, मतलब इसे परचेज करना ही रिक्सी काम हो गया दोस्तों। इसे परचेज आप ना करो, मेरा सजेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे तो आपका इच्छा, आप इसे परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये खिलाड़ी क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है। कोई जान नहीं पता कि कौन खिलाड़ी कब अच्छा खेलेगा ना खेलेगा, बट इसे आप अपने हिसाब से खरीद लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ मोर वाले ऑप्शन पे आओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले ना आपको यहाँ से पैसा यहाँ पे आपका सारा ऐड हो जाएगा। जीतोगे सो भी दोस्तों, और पैसा लगाओगे दोस्तों। यहाँ पर कैसे पैसा लगाया जाए तो 50 पे क्लिक करोगे तो आपको टोटल 52 रुपया मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको गिफ्ट मिला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर 50 रुपया यहाँ पे आप पे करते हो, ठीक है दोस्तों, 50 रुपया लगाते हो तो आपको 52 रुपया मिलेगा। 100 रुपया लगाते हो 111 मिलेगा दोस्तों। 250 लगाते हो तो 280 लगेगा, 280 मिलेगा। और 500 लगाते हो तो 555 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जितना भी यहाँ पे पैसा लगा के अपना टीम बना सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज यार लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।